हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं डॉक्टर अंकित शर्मा अपने चैनल डॉक्टर अंकित होम्योपैथिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे टॉन्सिल के बारे में। शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा ही आपके लिए होम्योपैथिक से संबंधित जानकारी लाता रहता हूँ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टॉन्सिल, आखिर ये टॉन्सिल है क्या? हमारे मुंह के अंदर गले के पीछे टिश्यू के दो पैड होते हैं, जिनका आकार बिल्कुल अंडों की तरह होता है, उसे ही टॉन्सिल कहते हैं। टॉन्सिल में आई सूजन को ही टॉन्सिलिटिस कहा जाता है। टॉन्सिलिटिस होने के कारण पेशेंट के गले में खराश, निगलने में कठिनाई, सूजन, गर्दन के किनारों पे लिम्फ नोड्स, कई मामलों में बोलने की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। टॉन्सिल के ज़्यादातर मामले एक सामान्य वायरस के कारण होते हैं, जिसे स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया कहते हैं। टॉन्सिलिटिस का शुरू में ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। टॉन्सिलिटिस होने के लक्षण जैसे सूजे हुए टॉन्सिल, टॉन्सिल का लाल हो जाना, टॉन्सिल पर पीले या सफ़ेद रंग के धब्बे होना, गले में दर्द के साथ खराश आना, बदबूदार सांस, पेट में दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याएं आ सकती हैं। टॉन्सिल होने पे हमें बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए। गर्म चावल, दलिया, सूजी से बना हुआ उपमा, अदरक, शहद, उबला हुआ पालक, आलू, दूध, उबला हुआ अंडा या आमलेट ले सकते हैं। इसके बाद हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे कि खट्टी चीज़ें, दही, छाछ, चटनी, अचार, मसालेदार सब्जी, तला भुना खाना, मांस मछली, फ्रोजन फूड आदि से हम लोगों को बचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं टॉन्सिल में यूज़ की जाने वाली कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस की ओर। जिन व्यक्तियों को टॉन्सिलिटिस की जल्दी ही समस्या हुई है, टॉन्सिल का रंग लाल फूला हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसी के साथ अगर टॉन्सिल राइट साइड में है तो इस केस में हम लोगों को बेलाडोना 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम को आधे कप गुनगुने पानी में मिला के देनी चाहिए। जिन व्यक्तियों के टॉन्सिल अगर सर्दी या ठंड लगने के कारण बढ़े हैं और राइट साइड के टॉन्सिल ज़्यादा फूल गए हैं, टॉन्सिल पकने के बाद उसमें से पीला पेव निकलता है और गले में बहुत दर्द होता है और गले में घाव बन जाता है, तो इस केस में हम लोगों को बेरेटाकार 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम को आधे कप गुनगुने पानी में मिला के लेनी चाहिए। जिन व्यक्तियों को टॉन्सिलिटिस की समस्या नई हो या पुरानी हो और इसी के साथ पेशेंट को सांस लेने या सांस छोड़ने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सांस लेने से आवाज़ें आती हैं, मुंह खोलने पे टॉन्सिल एक सुपारी के आकार की तरह दिखाई देते हैं, और जिनको बार बार टॉन्सिलाइटिस की समस्या होती है तो उन लोगों को फाइटोलक्का बेरी 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम को डायरेक्ट टंग पे लेना चाहिए। जिन व्यक्तियों को गले के अंदर सूजन रहती है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जब भी वह कोई चीज़ खाता पीता है तो वो निगल नहीं पाता और उसका मुंह बिल्कुल सूखा सूखा सा रहता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके गले के अंदर कोई कांटा चुभवा रहा हो, तो इस केस में हम लोगों को एपिस मेल्फिका 30 पोटेंसी दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम को आधे कप गुनगुने पानी में मिला के लेनी चाहिए। जिन व्यक्तियों को टॉन्सिलिटिस की समस्या लेफ्ट साइड में हो और उसके बाद यह समस्या राइट साइड में अटैक करती है, टॉन्सिल एकदम लाल रहते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे गले के अंदर कोई लाल गोली रखी हो और वह कोई भी स्पर्श सहन नहीं कर सकता, वह पतला पानी की तरह या कोई तरल पदार्थ निगल सकता है, तो इस केस में हम लोगों को लाइकेसिस
2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग पे देनी चाहिए। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा ही आपके लिए होम्योपैथी से संबंधित जानकारी लाता रहता हूँ। थैंक यू।